इस गरीब को कुछ दान कर दो। पास से ऐसे गुजरो मत। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे मदद करनी चाहिए। ओह, तुमने अपना फैसला बदल लिया। हाय, मैं मैरी हूँ। हेलो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी। सच में? उठ जाओ, इस तरफ अंदर आओ। ये मेरा कमरा है। ये बहुत बढ़िया और आरामदायक है। लो, ये साफ कपड़े ले लो और ये खा लो। मैं सैंडविचेस का स्वाद भूल ही गया था। शुक्रिया। मैं कोई और तरीका अपनाऊंगी। ये बच्ची बहुत भोली है, उस पर भरोसा मत करो। बस अब तुम्हें यहाँ से चलना नहीं चाहिए। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर ये मेरा कमरा है। चलो भी कपकेक, तुम भी मेरे हरे दोस्त, ये घर अब हमारा नहीं रहा। अच्छी लड़की को ये याद रखना चाहिए कि सभी लोग उसकी तरह अच्छे नहीं हैं। लोग हमेशा बातें करते हैं। क्या ये मोलस्किन है? हे, मेरे साथ गाना चाहोगी? चलो गाते हैं। हम अजीब हैं, हम तुम्हारे जैसे बिल्कुल नहीं हैं। देवियों और सज्जनों, मुझे देखो, मैं आपको दिखाऊंगी कि आजाद कैसे होते हैं। हम चुप नहीं होंगे, हम यहाँ शोर मचाने आए हैं। वाह, हमने बहुत सारे पैसे कमा लिए। मैंने अपने साथ ले जा रही हूँ। रुक जाओ, वो मेरे पैसे हैं। हेलो, मेरा नाम एलन है। क्या हम नई लड़की का मजाक बनाएं? एलन, क्या मुझे एक पेंसिल मिल सकती है? जरूर, ये लो। शुक्रिया, ये मुझे ध्यान लगाने में मदद करेगी। ओह, बस हो गया, ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओह, मेरी पेंसिल को क्या हो गया? उदास मत हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? हाँ, देखो ये जगह क्या है। वो पेंसिलें जो जीन ने खराब की है, यहाँ आराम करती है। जन्नत में? हाँ, मेरी आखिरी वाली थी, तुमने तो उसे ज्यादा ही सीरियस ले लिया। चलो इनके लिए एक मिनट का मौन रखें। मैं कर भी क्या रही हूँ, यहाँ कोई देख नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। मेरे ग्रिल सॉसेजेस लगभग बन गए, क्या खुशबू है। अंदर आ जाओ। हेलो, थोड़ा सा बाएं तरफ खड़ी हो, यहाँ देखो, नेचुरल बर्ताव करो। ठीक है, समझ गई। ओह, फ्लैश बहुत ब्राइट है, मेरी पलकें चिपक गई थी। फिर से रुको, मुझे छोटा सा ब्रेक चाहिए। ओह, मेरा सिर घूम रहा है, बचाओ। बुरी लड़की जीन उनमें से नहीं है जो फोटोशूट पर पैसे खर्च करती हैं। ओ, मुझे पता है कि क्या करना है, वो नहीं देख रही है ना? हाँ, ये काम कर गया। तुम्हें चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। वाह, तुम बहुत जल्दी आ गई। तुम जैसे जेब कतरों के लिए यही तरीका ठीक रहता है। वो क्या था? जल्दी करो, अंदर आओ, अपने बिहेवियर के बारे में सोचने के लिए कुछ समय ले लो। ओ, क्या ये मेरा नंबर है? शुक्रिया। वो खुश क्यों है? मेरे पास यह मार्कर पड़ा था, अब बढ़िया तस्वीरें खींचूंगी। मेरे क्लासमेट्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जाने दो, मैं अच्छी लड़की हूँ। खैर, मैं बुरी हूँ। मुझे इस पेंटिंग के लिए ए नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ? वो कितनी पढ़ाकू है। शायद मैं इसे ब्राइट बना सकती हूँ। वाह, उसने ये कैसे किया? मेरी तस्वीर बहुत डल है। मैरी, क्या तुम बदलना चाहोगी? ठीक है, चलो करते हैं। अब मुझे पक्का सबसे ज्यादा ग्रेड मिलेंगे। शुक्रिया जीन। कोई बात नहीं, बुरी नहीं है, ये तस्वीर बढ़िया स्कोर के हकदार है। शुक्रिया मिस्टर वॉलेस। वाह, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि आपको मेरा काम पसंद आया। क्या ये सचमुच तुमने बनाया है? खैर, हाँ। ये मास्टरपीस है, ये ट्रूफ में रखने लायक है। शुक्रिया टीचर। ये आवाजें कैसी है? ये पेंटिंग म्यूजियम से चुराई गई थी, तो उन्होंने नोटिस कर लिया। उप्स। क्या ये तुमने उसके ऊपर बनाया? ये मैंने नहीं किया, ये गैर कानूनी है। क्या ले देकर कुछ खत्म नहीं हो सकता? मॉम, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लगता है जेन का प्रैंक काबू से बाहर हो गया। ओह नहीं, मेरे कपड़े हर जगह बिखरे पड़े हैं। मेरे दोस्त जल्दी आते होंगे, उन्हें गंद नहीं दिखना चाहिए। मैं फटाफट सफाई कर दूंगी। अच्छी लड़की मैरी कभी भी अपने मेहमानों को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराएगी। सीधे खड़े रहो, मुझे गंदे बर्तन धोने होंगे और धूल मिट्टी साफ करनी होगी।
ये मिट्टी की वजह से हुआ। फर्श बिल्कुल चमकदार होना चाहिए। पर सबसे जरूरी चीज स्नैक्स है, मेरे दोस्तों को ये पसंद आएगा। बस मेरा कमरा शानदार हो गया। ओह वो आ गए। हाय मैरी। हाय हाय। हम बहुत सारा शानदार सामान लाए हैं। मैरी को अपना कमरा साफ करने के लिए इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए थी। उसके दोस्तों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हमारे पास क्रैकर्स भी हैं। देखो। बाय मैरी। फिर मिलेंगे। अब मुझे दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। ओह मुझे बहुत भूख लगी है। जीन बर्तन साफ करो। ओह पर यहाँ बहुत सारे गंदे बर्तन हैं। ओह मुझे पता है क्या करना है। इससे काम हो जाना चाहिए। हो गया। सिंक साफ है। हमारे पास यहाँ कुछ सीरियल्स होने चाहिए। मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। एक भी साफ बाउल नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, मैं इसके बिना खा सकती हूँ। बाउल में नाश्ता करना आम बात है। ये खिलौना बहुत शानदार है। आवाज बहुत प्यारी है। तुम क्या कर रही हो? देखो ये कितना कूल है ना। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? तुम्हें सिर्फ पॉप करना है। ऐसे मैं समझ गई। हाँ आवाज बढ़िया है। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बीट बना रही हूँ। हाँ बिल्कुल। ओह मेरा सिर दुख रहा है। मुझे दर्द की गोली खानी पड़ेगी। क्या कोई फर्स्ट एड किट ला सकता है प्लीज? शुक्रिया। ओह ये खाली क्यों है? ये किसने किया? वाह ये बहुत रिलैक्सिंग है। क्या तुम जानना चाहोगे? मैं बोर हो गई हूँ। नहीं मैं अपना होमवर्क नहीं करूंगी। इसकी जरूरत किसे है? मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो भी उसे जाने मत दो। जल्दी। ओह फिर से नहीं। ओह मेरे पास एक आइडिया है। इसे पीछे फेंक देती हूँ। ईथन यहाँ आओ। चलो मिलकर टीवी देखते हैं। ठीक है पर रिमोट सोफे के नीचे है। मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। क्या वो वहाँ नीचे है? हाँ क्या तुम निकाल सकते हो? कोशिश करता हूँ। ओह ये बहुत कंफर्टेबल है। तुम क्या कर रही हो? जीन मैं खड़ा होना चाहता हूँ। तुम कोशिश कर सकते हो। अब तुम बचोगी नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं गिर रही हूँ। वाह ये लॉलीपॉप बहुत बड़ी है। मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। चॉकलेट कपकेक कमाल का होना चाहिए। चलो टाइमर चालू कर देते हैं। ओह वो बेक कर रही है। मैंने चखने का इंतजार नहीं कर सकती। अपने कपकेक अकेले छोड़ गई हो? हाँ खैर ये तुम्हारे लिए सबक होना चाहिए। अब तुम कोयला खाना और मैं सेब खाऊंगी। नहीं धुआं कहाँ से आ रहा है? मेरे कपकेक्स ये जल गए। मैंने इन्हें बनाने में बहुत मेहनत की थी। तुम रो क्यों रही हो? ये जल गए। दरअसल मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज बना रही थी। हैप्पी बर्थडे। सच में? खैर मेहनत करने के लिए शुक्रिया। मैं इसे चखूंगी। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों।